카레의 오류. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। मैं आपका दोस्त मुनीश। मैं हूं सुनील। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है पहलवान का ट्रेलर। और इसमें जो कंचा संदीपा सुनील शेट्टी किंचा सुदीपा सुनील शेट्टी तो ये मेन एक्टर हैं। तो शुरू करते हैं, ये ट्रेलर देखते हैं इसमें क्या है नया। नंबर 4 पे ट्रेंडिंग हो रहा है ये इस वक्त, तो कुछ तो खास होगा इसके अंदर और देखते हैं क्या है। अरे ये वो रही है, वो मक्खी जो वो भी आई थी उसमें भी लेने था। बस पुलिस स्टेशन और लड़ाई झगड़े से दूर रहना, पहले उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कही। भगवान सबको सपने देता है लेकिन सारे सपनों को खा जाती है। ये सुल्तान जैसे ही हम मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगा कि नहीं, लेकिन आसानी से हार मानने वाला मैं नहीं हूं। तो दोस्तों ये था पहलवान ट्रेलर का वीडियो। तो ये जो ट्रेलर है ये 12 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है, यानी अप्रॉक्स 2 दिन ही बचे हैं। लेकिन फिल्म आजकल बहुत फिल्में बनने लग गई हैं, खासकर बॉलीवुड में। तो हमने बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुल्तान और दंगल दो फिल्में जो देख ली हैं वो कुश्ती के ऊपर ही थी मेनली, और उसमें पहलवानी दिखाई गई थी, पहलवानी में फाइट दिखाई गई। तो इस मूवी में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि वो पहले पहलवान था और लड़ाइयों से दूर रहता था, फिर उसने कुश्ती में स्टार्ट किया और फाइटिंग सीन भी दिखाए गए हैं उसमें। तो आई थिंक मेरे को तो थोड़ा बहुत सुल्तान से मिलता जुलता लग रहा है इसका। देखना पड़ेगा, ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। साउथ की फिल्म है ये, जो इसके मेन हीरो हैं। मक्खी फिल्म में इन्हें एज ए विलन देखा था हमने, तो इनकी इमेज थोड़ी सी वैसी बनी हुई है। तो देखते हैं कैसी रिएक्शन रहती है लोगों की इनको एज ए एक्शन हीरो, हीरो एज ए मेन लीड हीरो देख के। और इसके अलावा फिल्म में सुनील शेट्टी हैं। सुनील शेट्टी शायद उनके गुरु का, उनके टीचर का रोल कर रहे हैं जो उन्हें पहलवानी सिखाते हैं आई थिंक। और इसके अलावा फिल्म के अंदर वही सीक्वेंस पुराना वाला ही लगा शुरू में। ट्रेलर के अंदर इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया कौन है पहलवान कंचा जो है, जब उतरता है हमारा तो वो बताया। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी डिफीट, उसको मना करते हैं कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, फिर कोई लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो फिर कल के पुलिस केस ना हो जाए, क्योंकि देखो मेन चीज़ का करियर बनाना है तो इन चीज़ें दूर रखना है मेन चीज़। और उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता है, एक हारते हुए का सीन दिखाया, उसके बाद गलियों में मतलब गरीबी में दिखा दिया उसको करते हुए, यानी वो दिखाया कि भूख इंसान के सपनों को ख़त्म कर देती है। उसके बाद एक बच्ची उसके मतलब कंधों पे थी, तो शायद उसकी बच्ची के लिए दोबारा से शुरू करते हैं वो पहलवानी। हाँ, उसके लिए फ्यूचर के लिए उन्होंने कुछ प्लान किया कि हाँ मुझे दोबारा से शुरू करनी चाहिए।
और फिर आगे जाके कुछ बड़ा करने की सोची उन्होंने, फिर लास्ट में आई थिंक उन्होंने की और बोले कि मैं जीतूंगा या नहीं। आदमी का एक्चुअली लाइफ देखी जाए तो लाइफ साइकिल ऐसा ही होता है, सबसे पहले वो जोश जोश में स्टार्ट करता है, उसके बाद वो फेल होता है, उसके बाद रियलाइजेशन होती है, उसके बाद जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनको यूज़ करके और मैच्योरिटी के साथ वो दोबारा उठता है, जो मैच्योरिटी के साथ और एक्सपीरियंस के साथ दोबारा उठता है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो ही जाता है। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, उसने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें देखी होती है ना कि कैसे कैसे उसने कहाँ कहाँ डाउनफॉल आए, कहाँ कहाँ अपकमिंग करी और उसने कहाँ स्ट्रगल किया है सबसे ज़्यादा, तो उसको धीरे धीरे चीज़ें पता लग जाती हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे चीज़ें करनी थी और यहाँ पे चीज़ें करके फिर वो ग्रो करता धीरे धीरे। तो ये था हमारा रिव्यू इस ट्रेलर को लेके। ट्रेलर अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा था, उसमें ग्राफिक्स का बहुत अच्छा यूज़ किया था, ग्राफिक्स थोड़े से सीन भी अच्छे हैं इसमें और पिक्चर तो देखो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी जानी है। हाँ, मूवी अच्छा जाने की उम्मीद है क्योंकि मेन चीज़ एक स्टोरी बन रही है पूरी मूवी में। साउथ में अच्छी जा सकती है, हिंदी में शायद मल्टीप्लेक्सेस में ज़्यादा चल जाए, बाकी सिंगल स्क्रीन का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी और जो मूवी नरेशन है वो अगर अच्छी हुई, डायरेक्शन अच्छी हुई, स्टोरी लाइन अच्छी हुई, तो ऑब्वियस है ये मूवी 50-60 करोड़ या 100 करोड़ भी पार कर सकती है। आई थिंक इतना तो करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से मूवी की स्टोरी लग रही है तो उस हिसाब से तो 100 करोड़ तो पार करना चाहिए इस मूवी को। तो ये था इस ट्रेलर का रिएक्शन, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपकी सजेशन है किसी वीडियो को लेके तो ज़रूर लिखकर हमें बताएं।